रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करने, इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीमवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया आयोजित की गई है। शनिवार को 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली की मेजबानी में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 26 कॉलेजेस, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता के दौरान छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट हार्वेस्ट टुडे नामक थीम पर टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। डीडी रोबोकॉन की विजेता टीम अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो वियतनाम के क्वांग निन में होगा। डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करके इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। Advancement in India, agriculture is a backbone of economy of India, and of course, when technology help in day-to-day affairs of humankind, so it will definitely be helpful to the nation. That this resonates with our Prime Minister Mr. Narendra Modi's vision of doubling farmers' income, as you all know, the adoption of cost-effective and efficient base of cultivation by the farmers is a key to their success in creating and enabling the lives of our farmers. ये प्रतियोगिता छात्रों के इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मानित मंच है। इस बीच आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के साहू ने प्रसार भारती को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। This year's international competition will be hosted by Vietnam. So they have decided the game plan and the theme is the harvest day. As you can see in the game, we will have a demo game for you. डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 न केवल भविष्य के सितारे तैयार कर रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी को लगातार आ रही नई तकनीक से भी परिचित करा रहा है। इसके अलावा हमारे युवा तकनीक का प्रयोग कर कृषि क्षेत्र को भी अधिक उन्नति की ओर ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। टीम प्रसार भारती बिल्कुल तैयार है इस डीडी रोबोकॉन 2024 को एक ग्रैंड और मेगा सक्सेस बनाने के लिए, और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश भर से, वो भी तैयार हैं और हर कोई चाहता है कि वो जाए और वियतनाम में जाकर अपने स्टेट को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करे। कौन जीतता है ये हमें पता लग जाएगा 14 तारीख को जब ग्रैंड फिनाले होगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी तैयारियाँ हैं उस सबको देखते हुए उत्सुकता बहुत ज़्यादा है नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में। कैमरा पर्सन ललित के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली।